सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। संदेश मिला कि केंद्र सरकार के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र राज्य स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक के संदर्भ में मेरे खिलाफ एक क्राइम गुना रजिस्टर किया। उसे कहने में कोई चिंता नहीं, आज तक मैं किसी कोऑपरेटिव या अन्य बैंकों के संचालक हो है, इनका कभी भी सदस्य जीवन में नहीं रहा। बैंक के बारे में कुछ जांच शुरू हुई है, तो जांच करने वाली एजेंसी उनका वो अधिकार है और इन्हें जो सहयोग देने की आवश्यकता है उन्हें खुद संविधान पर पूरा भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ, पूरी तरह से सहयोग देने की भूमिका मिली रहेगी। अगले एक महीना महाराष्ट्र का चुनाव है, इसलिए महाराष्ट्र के जितना ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में जाने का मुझे समय मिलेगा, इतने ज्यादा दिन मैं बंबई के बाहर रहने वाला हूँ। और ऐसी स्थिति में जांच करने वाली जो एजेंसी है उन्हें मेरा प्रेजेंट चाहिए हो, तो उनके गलतफहमी ये नहीं होना चाहिए कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और इसीलिए फ्राइडे 27 सितंबर को दोपहर के 2 बजे यहाँ के ईडी का जो दफ्तर है वहाँ मैं खुद स्वयं जाने वाला हूँ, और जो कुछ उन्हें जांच करनी है वो जांच करने के लिए उनके सामने अवेलेबल रहने वाला हूँ। मुझे इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा को हमेशा मद्देनजर रखता है, और ये संस्कार महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर बचपन से होते हैं। अब ये आदर्श सामने रखकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की हुकूमत है वह अपनी हुकूमत अपना अधिकार इसका कहीं तरह से इस्तेमाल करने के बाद किसी के मन में हो तो मुझे चिंता नहीं, मैं इसका सामना खुले दिल से करूँगा। कि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव का चित्र स्पष्ट है, हमारी जो महायुति है बीजेपी शिवसेना और सारे हम मित्र पक्ष है, हमारी महायुति ये जीत कर आने वाली है ये सबको पता है। और ऐसे समय कोई बदले की भावना से और कोई राजनीतिक हेतु से इस प्रकार की कार्रवाई करता नहीं, वैसे भी हम कार्रवाई करते नहीं, लेकिन राजनीतिक भी विचार किया जाए तो भी ऐसी कार्रवाई करना ये किसी राजनीति के हित में नहीं होता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का आरोप बेबुनियाद है।